गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेसन हमने किया था भगवान के डाके, है ना। अब सेवन चैप्टर है, क्या निराश हुआ जाए, पार्ट सात, क्या निराश हुआ जाए। लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, पाठ है क्या निराश हुआ जाए। इसका क्या मतलब है, पहले टाइटल से ही समझते हैं। निराश क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में डिसअपॉइंट होते हैं, हमें लगता है कि ये जो चीज़ है अब हमारे बस में नहीं है, है ना, दिल उदास हो जाता है। तो वहाँ पे, यहाँ पे राइटर ने क्या टाइटल दिया है, क्या निराश हुआ जाए। तो उसका कहना किस बारे में है, उसका कहना है आज की सिचुएशंस के बारे में, आज के हालातों के बारे में। वो कहता है कि इंसान जो है वो प्रतिदिन बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, अब जो नैतिक मूल्य थे वो पहले जैसे नहीं रहे। जैसे पहले इंसान में ईमानदारी और सारी गुण थे, अब समय के साथ साथ इंसान क्या है, थोड़ा सा स्वार्थी हो गया है, हो गया है ना। तो यही वो बताता है कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि हम निराश हो सकते हैं, कि अब कहीं भी हमें ईमानदारी नहीं दिखेगी, कोई भी जो इंसान है वो इन मूल्यों को नहीं मानेगा, ईमानदारी, सच्चाई, सच, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें वो कहता है क्या समाज से ख़त्म हो गई हैं। इन सब के बारे में वो कहता है कि क्या ऐसा है कि हमें पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए कि अब जो है लोग नैतिक मूल्यों में या भावपूर्ण मूल्यों में विश्वास नहीं करते, सच्चाई ईमानदारी में विश्वास नहीं करते। क्या ऐसा टाइम है, आप बताइए ज़रा। अब लेखक कहता है क्या ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ सारे जो मनुष्य हैं वो करप्ट हैं, वो ईमानदार नहीं हैं। बोलिए प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट नहीं कराया किसी को भी। नहीं समझ आई मेरी बात। लेखक आपसे पूछता है कि अब क्या वो टाइम आ गया है, क्या हमें पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए कि जो मनुष्य है वो पूरी तरह से बदल गया है, अब वो सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं देता, ऐसा है या नहीं है। बस यही बात वो पॉइंट बताता है कि चाहे दुनिया सारी बदल रही है पर 100 में से 70% करप्ट हो तो 30% भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो अपने असूलों पर चलेंगे, ईमानदारी को ज़िंदा रखेंगे, ठीक है, सच्चाई ईमानदारी का साथ देंगे। तो वो कहता है कि निराश होने का ये ज़रूर है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है बेईमान लोगों का, लेकिन वो कहता है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि हमें पूरी तरह से निराश हो जाना चाहिए, कि बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि अब समाज में ईमानदारी या सच्चाई रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो यही पाठ, पूरे पाठ का उसका मोटिव है, इसको वो बहुत सारे उदाहरण देकर समझाता है। थोड़ा सा लेसन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको सार मैंने बता दिया है कि लेखक क्या कहना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि समाज में अभी पूरी तरह से सच्चाई ईमानदारी खत्म नहीं हुई है और हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। अपने लेसन में वो ये कहता है, लेकिन क्या निराश हुआ जाए, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसी सिचुएशन अब आ गई है कि हमें निराश हो जाना चाहिए, ताकि इस लेसन को पढ़ रहे हैं जो उनको वो हो कि उनके बीच में भी वैल्यूज़ के बारे में अच्छी भावना जागे,
तो इसलिए वो उन्हें क्वेश्चन के तौर पे लेता है कि क्या हमें निराश हो जाना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बैठ जाने से मतलब ये नहीं है माई हार्ट इज सिटिंग, ओके, बैठ जाना मतलब मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है, ठीक है, माई हार्ट इज सिटिंग नहीं होगा, ठीक है, आई फील बैड, इसका क्या होगा, मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। किस बातें में, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्योप, आरोप प्रत्योप होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तो अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो वापस से ही हम पर इल्ज़ाम लगाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आरोप प्रत्योप, ठीक है, लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा, पेंसिल साथ में रखो। आरोप प्रत्योप क्या होता है, किसी पर इल्जाम लगाना, और बदले में वो भी आप पर लांछन लगाए तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्योप, मतलब उसने हमें दुगना करके वापस दे दिया, आरोप प्रत्योप, ठीक। का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। अब वो कहता है रोज समाचार पत्रों में मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति जो है वो रह नहीं गया है, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, संदेह मतलब शक, अब हम हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं कि क्या ये ऐसा इंसान है या नहीं है, जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, जो जितने ज़्यादा बड़े औहदे पर हैं वो उतना ज़्यादा करप्ट माना जाएगा, भ्रष्टाचारी माना जाएगा, हालांकि सारे लोग नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जिनके पास बड़े औहदे हैं सरकारी नौकरियां हैं वो अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। रिश्वतखोरी की जो घटनाएँ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई ऊँचे से ऊँचे पद पर भी बैठा है तो हम उसे शक की निगाह से ही देख सकते हैं कि क्या ये ईमानदार होगा या नहीं होगा, ठीक है, हालात इतने वो कहता है खराब हो गए हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गर्त में डूब गया है, गर्त मतलब क्या होता है, सुरंग नुमा रास्ता या गर्त आप किसको कह सकते हैं, गट्टर को भी हम बोल सकते हैं या नरक को भी हम गर्त बोलते हैं, ठीक है, तो वो बताता है कि ये वो सपना नहीं था जो हमारे देशभक्तों ने देखा था कि हमारा देश कैसा होगा, है ना, ये वो सोने की चिड़िया नहीं है जिसके बारे में हम कल्पना करते थे कि भारत एक आदर्श भारत बनेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरय और भोले भाले श्रमजीवी, श्रमजीवी क्या होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमजीवी, श्रम को हम क्या कहते हैं, मेहनत, तो श्रमजीवी क्या कहलाएंगे, मेहनत मजदूरी करने वाले पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार फैलाने वाले फल फूल रहे हैं। तो वो कहता है कि अब टाइम वो आ गया है कि जो ईमानदार व्यक्ति है, जो पूरे ईमानदारी से अपना कार्य करता है, उसकी कोई पूछ पड़ताल नहीं है, और तरक्की किनको मिल रही है, जो बहुत क्या कहते हैं, फरेब का रोजगार, फरेब मतलब धोखाधड़ी का काम करते हैं, वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो होते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो वो कहते हैं कि आजकल क्या समझा जा रहा है कि जो जितना ईमानदार है वो उतना ही मूर्ख प्राणी है, कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी जो है वो मूर्ख लोगों का काम है। तो वो कहता है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय मतलब मूर्खता का प्रतीक माना जा रहा है, ठीक है, हालात इतने जो हैं वो खराब है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ती है, सच्चाई केवल दबे हुए लोगों की और जिन जो मजबूर हैं उनके हिस्से में ही आती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगती है। अब वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग जो हैं वो नैतिक मूल्यों की तरफ ध्यान देना जो है वो बंद कर देना चाहते हैं। जब आप देखते हैं कि एक बेईमान व्यक्ति
आपसे कहीं आगे निकल जाता है, आप पूरी मेहनत से कार्य करते हैं लेकिन आपकी मेहनत की बजाय वो बेईमान चापलूसी करके आगे निकल जाता है, तो आपका विश्वास भी उस वक्त अपने मूल्यों पर डोलने लगता है, होता है ना। आप भी सोचते हैं कि मैंने क्या कर लिया इतनी ईमानदारी से, मुझे तो तरक्की मिली नहीं, है ना, मुझे तो इस इतने श्रम का, इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ। तो इंसान जो है उसमें वैल्यूज़ जो है चेंज होने लगी, पर वो कहता है यही हमें नहीं करना है, ठीक है, यही जो चीज़ है जो नहीं करनी है। जो इंसान अपने आदर्शों पर टिका रहता है ना, उसे कोई और देखे ना देखे, परमात्मा ज़रूर फल देता है। वो जानता है कि ये पूरी तरह से ईमानदार है और पूरे लगन से अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे वो कहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो वो कहता है कई बार लोग बेईमान क्यों हो जाते हैं, कुछ चीज़ें मजबूरियाँ आ जाती हैं। अब कोई भूखा है तो वो रोटी चुरा ले तो हम नैतिक मूल्य का भाषण नहीं उसको दे सकते, क्यों, क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है, वो भूखा है, वो मर रहा है, अगर उसने कहीं से रोटी चुरा ली है तो उसे क्या कहेंगे कि ये बेईमान व्यक्ति है, क्या कहेंगे, मजबूर है, ठीक है। तो यही वो बात बताना चाहता है कि मजबूरी अलग चीज़ है, कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, कैंसर का मरीज है, उसके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, अचानक वो दवाई के स्टोर पर जाकर कोई दवा की शीशी चुरा लेता है, क्या कहोगे, बेईमान नहीं ना, हम उससे क्या कहेंगे, मजबूर व्यक्ति, हालात से मजबूर है। तो वो कहता है कि हालात से मजबूरी जो है उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, इन जो चीज़ों को है वो छोड़ के अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, ठीक है। हुआ यूँ है कि इस देश के कोटि कोटि वृद्धजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। तो वो कहता है सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, देश जो है तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, कृषि है, व्यापार है, इन सब में बहुत सारे गवर्नमेंट के ग्रांट्स लगाए जाते हैं, पैसे लगाए जाते हैं। तो वो कहते हैं देश के हालात सुधारने का जिम्मा जिन लोगों को दिया जाता है, वही मैंने बताया कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनमें से 90 में से आप क्या कह सकते हैं 40 जो हैं वो बेईमान होंगे। अगर 50% भी हम ईमानदारी का रखें तो 40% जो लोग हैं वो बेईमान हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, जो विकास कार्य यहाँ जाना चाहिए वो डाउन ही रहेगा, है ना। सारे तो ईमानदार हो नहीं सकते, सब में वो वैल्यूज़ नहीं हो सकते। तो यही टाइम है जब हम स्कूलिंग में होते हैं, अगर स्कूलिंग और ब्रिंगिंग हमारी अपनी अच्छी है, हमारे पेरेंट्स हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं, हम स्कूल से इन सब बातों को ग्रहण करते हैं, तो आगे जाकर भी हम अपने असूल आदर्श कभी खोते नहीं हैं, ठीक है। यही टाइम है जब आप अपने अंदर इन सब गुणों को इनकलकेट करते हो। आगे इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ये सबको पता है, लोग धर्म के नाम पर इतना पखंड करते हैं, क्यों है, धर्म क्या है, मानवीय मूल्य जो है वो धर्म है, किसी मनुष्य को मनुष्य समझे जाना धर्म है, धर्म मंदिर गुरुद्वारों या मस्जिदों में नहीं है, वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें प्योर कैसे होना है, हमें जाकर अपने अंदर इन सब चीज़ों को इनकलकेट कैसे करना है। लेकिन धर्म कभी भी आपको वो नहीं सिखाता, मानवीय मूल्य नहीं सिखाता। आप देखते ही हो आज भी हिंदू मुसलमानों के वो चलते हैं, कितनी हेटरेट बातें होती हैं, है ना, न्यूज़ में आता है, किसी स्पेशल धर्म को लेकर कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता रहता है। हिंदुत्व राज्य बनाने पर अब सब इसको तुले हैं, क्यों, भारतवर्ष केवल हिंदुओं का राज्य नहीं है, सभी का है, है ना,
तो ये सारी चीज़ें जाति धर्म के आधार पर भेदभाव जो है वो चलता रहता है, सब ज़्यादा धर्म के नाम पर ही प्रकंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं, वो दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हो गए। अब वो अपने बात पर आता है। अब वो यहाँ तक वो बात कर रहा था संसार में जो 70% मैं कहती हूँ करप्ट लोगों, अब वो उन 30% की बात कर रहा है जो ईमानदार हैं, जो अपने असूलों पर खड़े हैं। तो वो कहता है कि आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है वो यही साबित करता है कि हम चीज़ों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। तो वो कहता है कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसके अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, किसी को दूसरा क्या कहते हैं नीचा दिखाने के लिए उस पर दोष लगाते हैं और उसको महामंडित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, क्यों? इसमें हमारा अपना स्वार्थ जो है वो छिपा है। तो अब वो बात करता है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अब वो एक किस्सा सुनाता है कि कैसे टिकट खरीदी उसने और 10 रुपये देने थे जबकि वो 100 रुपये का नोट गलती से पकड़ा आया और गाड़ी में आकर बैठ भी गया। अब वो वहाँ से जा रहा था लेकिन जो टिकट वाला बाबू था वो दौड़ कर गाड़ी में आया, उसको पहचान कर उसने उसके 90 रुपये वापस किए। अब चाहता तो वो 90 रुपये वापस अपने पास भी रख सकता था, लेकिन वही वो बात बता रहा है कि 70% अलग हैं और 30% लोग जो हैं वो अभी भी सच्चाई ईमानदारी को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही साबित करना चाहता है कि दुनिया में चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, सब लोग बेईमान हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ चुनिंदा लोग ज़रूर रहेंगे जो ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, ओके बेटा। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई? अब वो कहता है इस घटना के बाद तो मैं कह ही नहीं सकता कि दुनिया में ईमानदारी खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऑब्वियसली नहीं कह सकता। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से शक्तिशाली हैं। तो वो कहते हैं ऐसी बहुत सारी जीवन में घटनाएं होती हैं जब हमें प्यार मिला, ईमानदारी और सच्चाई दिखाई दी, जो उन सारी घटनाओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं जो बेईमानी की हैं या किसी भ्रष्टाचार के बारे में है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य होता है मंजिल या डेस्टिनेशन जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले वह निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दिया। निर्जन बिल्कुल अकेली जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं, सुनसान को भी हम वही कहते हैं। रात के कोई 10 बजे होंगे। अब क्या हुआ, वो एक बस में जा रहे थे, बस पहले ही थोड़ी ख़राब थी, तो एक बहुत ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं था, सुनसान जगह पे बस जो है वो ख़राब हो गई। रात का टाइम था, बस में यात्री घबरा गए, ऑब्वियसली सारे यात्री जो हैं घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब लोग हैं वो शक करने लग गए कि कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर चला गया है और बस बीच में यहाँ छोड़ गया। हो सकता है कि इनकी सेटिंग जो है वो डाकुओं के साथ हो और अब बस जो है वो लूटने वाली है। तो यहाँ बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, मैंने वही बात कही कि उन्होंने ऐसा लगा उनको कि डाकुओं के साथ इनकी मेल जोल है तो इसलिए इन्होंने बस यहाँ पर रोक दी है और अब खुद वो चला गया है साइकिल लेकर, तो अब डाकू पूरी बस को लूट लेंगे।
दो दिन पहले इस तरह इस बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। हवाइयाँ उड़ने लगी मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। हवाइयाँ उड़ना घबराना मुहावरा है, करते हैं ना हम मुहावरे और लपोक्तियाँ। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मतलब बहुत बेचारगी से वो देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब लोग जो थे वो ड्राइवर को मारने के लिए सोचने लगे कि इसका कंडक्टर तो चला गया, ये भी साथ में मिला है तो इसकी मार कुटाई करते हैं। पर सोचो ऐसी सिचुएशन में उसकी मार कुटाई करने से क्या होता, ऑब्वियसली उसको मारने से क्या होता, सब उसको मार भी देते। चलो सपोज मानती हूँ कि वो किसी और के साथ मिले होते, डाकू आ भी जाते, उस ड्राइवर को मारने से क्या इनर सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसे मारना चाहते थे, और तो कुछ नहीं हो सकता था, है ना। डर तो मेरे मन अगर उसके गुंजा लगे तो डाकू ने तो आने ही था, हाँ मैं मारने का तो कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि अगर डाकू अगर आने ही था डाकू ने तो वो आ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना, लेकिन इंसान क्या सोचता है ऐसी सिचुएशन में भी, कुछ भी हो हम पहले हिसाब किताब कर लें, चाहे खुद मरने वाले हो पर इसको जरूर मार लें, है ना, कि बेईमानी की है। हम किसी पर भी किसी को जजमेंट इतनी जजमेंटल नहीं हो सकते, हम किसी के लिए भी इतने वो नहीं हो सकते कि हम फटाफट उसको देखकर फैसला सुना दें, हाँ ये गिल्टी है चलो जी इसको मारो, ऐसे नहीं हो सकता। पहले आप साबित करेंगे कि उसका दोष है या नहीं है, उसके बाद वो सज़ा का हकदार होता है, ठीक है। कोई भी बिना किसी दोष के सज़ा जो है, दोष लग भी जाए बिना किसी प्रूफ के उसको सज़ा जो है इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है। चलिए जी आगे उसने बताया कि यात्रियों को मैंने समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो गए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मतलब विपरीत परिस्थितियों में हम अपना विवेक खो देते हैं, हम ये नहीं सोचना चाहते कि गलत क्या होगा सही क्या होगा, हम अपनी इमेजिनेशन की पटरी पर चल पड़ते हैं। ये गिल्टी है पहले इसी का काम तमाम, चाहे उसका दोष साबित हो या ना हो, ठीक है। तो आगे क्या है, वो कहता है, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। उसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है, उसमें हमारा बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, ये वाली बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। अब इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क देखिए, हम इमेजिन क्या करते हैं और रियलिटी कई बार उससे कहीं ज़्यादा विपरीत होती है। सबने क्या सोचा, कंडक्टर भाग गया, वो डाकुओं को लेने गया है। कंडक्टर जल्दी से कहाँ गया, बस अड्डे गया और नई बस लेकर आया, यहाँ तक कि सारे यात्रियों के लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम भी उसने किया और छोटे बच्चों के लिए दूध भी लेता आया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया भाव रह नहीं गया। जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भुला नहीं पाया। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, पर बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली। अब वो कहता है, जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है जब मेरे साथ बेईमानी हुई है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बार ऐसा हुआ है जब मैंने सच्चाई और ईमानदारी की ऐसी घटनाएँ देखी हैं। तो अब वो कहता है कि अब मैं इस बात को कैसे मान सकता हूँ कि पूरी तरह से ईमानदारी जो सच्चाई है
वो इस दुनिया से खत्म हो गई है। तो अब हमें निराश होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसका पॉइंट समझ में आया कि वो क्या कह रहा था, कि क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश होने जैसी सिचुएशन आ गई है। फिर से वही क्वेश्चन जो उसने टाइटल में पूछा है, ठीक है। तो वो खुद ही इसका जवाब अंत में देता है कि नहीं, अभी वो वक्त और अभी वो समय नहीं आया है कि जब हम पूरी तरह से निराश हो जाएं कि सच्चाई ईमानदारी जो है वो दुनिया से ख़त्म हो गई है। वो कहता है जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जब वो ठगा गया, जब वो बेईमानी का शिकार हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उसके जीवन में ऐसी घटनाएं भी हैं जहां उसने ईमानदारी और सच्चाई को देखा। तो दोनों को ही देखते हुए वो निराश नहीं हो सकता कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई। ठीक है जी, गॉट इट? किस किस को समझ आया और किस किस को समझ नहीं आया, लेट डिस्कस। क्या किया हमने इसमें?